दोस्तों यह क्लास आपके सहयोग के लिए ही मध्य विद्यालय अकबर नगर श्रीरामपुर के प्रांगण में प्रतिदिन सुबह 7 बजे से संचालित होता है तो हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में आप जितना जल्द हो सके उनसे जुड़ें और इस क्लास का फायदा लें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी के पिछले वीडियो में हम दिखाए थे 9वां पद 20वां पद 30वां पद हम कैसे निकालेंगे। आज हम उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आइए देखते हैं कुछ सवालों को। सबसे पहला प्रश्न है 1, 4, 7, 10 इसका 18वां पद ज्ञात करना है। 18वां पद क्या होगा तो कैसे बनाएंगे उस चीज को हम देखते हैं। सवाल भारी नहीं है, क्या क्या हम करते हैं केवल उस चीज को देखेंगे। इस सीरीज दिया हुआ 1, 4, 7 इस ढंग से यदि बढ़ता जाए तो 18वां पद क्या होगा। जैसे ये पहला पद हुआ, दूसरा पद हुआ, तीसरा पद हुआ, चौथा पद हुआ, इसी ढंग से हम बढ़ते चलेंगे। कितना पद निकालना है? 18वां पद। तो क्या होगा उसको हम देखेंगे। जो सबसे पहला टर्म आए वो हो गया पहला पद, मतलब ए। ए का मान कितना हो गया? 1। आगे हम देखेंगे पद, पदांतर मतलब डी। डी कैसे निकालते हैं? ये पीछे वाला में एक घटा देता है फर्स्ट वाले को, तो कितना है डी का मान? 3। आगे हमको क्या निकालना है? 18वां पद। क्या निकालना है? इसका मतलब टी 18 का मान निकालना। क्या निकालना है? टी हम जानते हैं क्या, ए प्लस कितना डी? 17 डी। इसीलिए हमको सूत्र मालूम था कि TN का जो सूत्र होता है a+n-1 × d, इसका मतलब जम्मा टर्म बोलेगा उसमें एक कम करके d के साथ गुना कर देंगे और a को जोड़ देंगे। तो a+17 डी, क्या a हमको मालूम नहीं है? d है मालूम, रख देंगे और बन जाएगा a का मान कितना? 1 जोड़ 17 गुना 3 कितना हो गया? 17 51। भारी है, यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े। एपी मतलब समांतर श्रेणी 20, 25, 30, 100 में कितने पद हैं? सवाल को समझना, क्या क्या कह रहा है। इन एक सवाल को देखे बस डर जाएंगे। क्या क्या है एकदम आराम से 20, 25, 30 समांतर श्रेणी बोला, 100 में कितने पद हैं? मतलब ये जो 20, 25, 30 डॉट डॉट जाते जाएगा 100 तक, इसमें बताना है क्या गो टर्म है। ठीक है, हम क्या क्या देखेंगे। ए किसको बोलते हैं? पहला पद। किसको बोलते हैं? पहला पद। अब डी का मान मालूम है, इसमें इसको घटा देंगे कितना? 5। नहीं, इसमें इसको घटाते नहीं, आगे वाला जो चलेगा उसमें पीछे वाला को घटाते हैं। डी का मान मिल गया। अब देखो ये बढ़ते बढ़ते ये अंतिम पद कितना था? 100। इसका मतलब TN का मान है 100। TN का मान बोला कितने पद हैं, कितने पद हैं, इसका मतलब N का मान मालूम नहीं है। किसका मान निकालना है? N का मान। अब देखो ये TN का मान, TN का मान दिया हुआ था कितना है? 100। लेकिन हम TN का सूत्र जानते हैं क्या? a+n-1 × d बराबर कितना? अब देखो a का मान मालूम कितना? 20 + n-1 × d का मान कितना? बराबर कितना? 100। आगे क्या करें? ये 20 वाला के साथ n था? नहीं था, n है इसके साथ, इसको बोलेंगे तुम उधर चल जा। तो क्या क्या बचा? n-1 × 5 बराबर कितना? 100 - कितना हो गया? अब देखो n-1 के साथ ही गुना था, उधर जाके भाग, जब बराबर के इधर गुना है तो उधर जाके भाग। अगला लाइन में क्या करेंगे? n-1 का मान कितना? 80/9 कितना हो गया? 16। अब यही जो छोड़ देगा तो इसका गलत हो जाएगा, इसीलिए n-1 है, 1 को उधर भी भेजना है, -1 इधर, उधर जाके +1। तो 16 और 1 कितना? यहां तक कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत? अब हम चेक कैसे करेंगे परीक्षा में मेरा सही बना कि गलत बना। हम परीक्षा हॉल में भी हम चेक कर सकते हैं, चेक टाइम मिलेगा तो करना ही चाहिए। मेरा कितना पद निकला? 17। इसका मतलब ये जो बढ़ते क्रम जा रहा था 100 तक, कितना टर्म था? 17 गो। क्या गो? अब हम चेक कैसे करेंगे मेरा सही बना कि नहीं बना, उसको देखो हम सिखाते हैं कैसे सही बना कि नहीं। यदि हम चेक कर लिए t17 का मान मेरा कितना निकला? 100 यही निकला था कि नहीं? तो और देखो एक चीज, हम t17 का मतलब कितना? a+d 16d। a का मान कितना? 20। जोड़ 16 × d का मान कितना? 5। तो 20 + 16 = 85 कितना हो गया? 100। चेक हुआ मेरा सही बना कि नहीं बना? ये चीज परीक्षा हॉल में भी हम चेक कर सकते हैं, हम सही बनाए कि गलत बनाए। यहां तक कोई दिक्कत?
नहीं, तो हम बना भी लेंगे और यदि यही मेरा जोड़ घटा में मेरा 16 हो जाता आंसर, यहाँ हम चेक करते नहीं पूरा, तो हम कन्फर्म वहीं हो जाते परीक्षा हॉल में, मेरा क्या बना है, गलत बना है कि नहीं, तो हम फिर से एक बार दिखाते कि हाँ मेरा कहाँ गलत बना है। तो कोई भी सवाल रहेगा तो भर सके आधा कम से कम निश्चित क्वेश्चन चेक कर लेंगे हम वहीं परीक्षा हॉल में सही बना कि गलत बना, यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे देखो सवाल, सवाल से डरना नहीं है, सवाल को एकदम आराम से बनाते चलो। किसी एपी का पांचवा पद कितना है, 26, पांचवा पद कितना, इसका मतलब T5 का मान दिया हुआ कितना, इसका मतलब एगो चीज और लिख सकते हैं, T5 का हम A+KD लिख सकते हैं, 4D, एगो समीकरण हो गया, कोई दिक्कत। दूसरा बात बोला इसका दसवा पद कितना है, इसका मतलब A+KD, 9D, एक कम करके ना, बराबर कितना, यहां तक कोई दिक्कत। जब ये दोनों समीकरण हो गया, ये दोनों का समीकरण आता है बनाने, बहुत द्विघात समीकरण में पढ़ाई कटाने लगना है, तो इससे हम किसका किसका मान निकाल लेंगे, ए और डी का, यहाँ लिख दिया फाइंड ए एंड डी वैल्यू, ए और डी का क्या निकाल देना है, मान निकल जाएगा। आगे देखो आगे क्या बोला, यही ए, ए क्या हुआ पहला पद, ए क्या हुआ और डी पदांतर, डी कौन सी हुआ पदांतर, यही क्वेश्चन चेंज। अब क्वेश्चन बोला इसका क्या निकालिए, 15वां पद निकालिए, क्या निकालिए, इसका मतलब T15 का मान निकालना है, 15वां पद मतलब A+KD, A+, जब A मेरा D, A निकल जाएगा, D निकल जाएगा, तो इसका मान हम नहीं निकाल सकेंगे, इसी को क्वेश्चन को चेंज करेगा, ये दे दिया बोलता कि पहला पद निकालिए और पदांतर निकालिए, दिया आंसर ये दोनों हो जाता कि नहीं। अब बोला ये 15वां पद A+KD 14D, मान निकाल लेंगे, अगर यही चेंज करके बोल देगा कि इसका 25वां पद निकालिए, A+KD 24D, और उसका मान रख देंगे तो भारी है, तो इसी ढंग से बनाना है, इन एक सवाल चेंज हो गया, ठीक है। आगे सवाल है एपी ज्ञात करें, एपी ज्ञात करें, एपी किसको कहते हैं, मतलब पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, डॉट 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 लिख देंगे, वही क्या हो गया एपी, इसका मतलब हमको क्या निकालने बोला, केवल सवाल समझना क्या कह रहा, इसका मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, जैसे ये लिखे 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट, इसी को क्या बोले एपी बोले, क्या बोले एपी, कंडीशन किसको कि ये जो पीछे वाला से आगे वाला घटा रहे ये सेम होना चाहिए अंतर ना, तो उसी को एपी बोलेंगे, इसको बोलेंगे एपी, देखो तो इसको बोलेंगे एपी, यहाँ ई भी डॉट डॉट दे दे, इसको एपी बोलेंगे नहीं ना, तो क्या होना चाहिए, ई क्रम से होना चाहिए, लेकिन अंतर सबका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उसी को क्या बोलेंगे एपी बोलेंगे। तो देखो क्या क्या है, वो ज्ञात करना क्या क्या कह रहा है, सवाल ऐसे नहीं देगा, कुछ ना कुछ हमको दे के रहेगा, बोला एपी ज्ञात कीजिए जिसका 7वां और 13वां पद क्रमशः 34 और 64, लेकिन सेम टू सेम इसी ढंग का क्वेश्चन पूछेगा, कहीं बात नहीं, ध्यान यहां रखेगा तब बनेगा। क्या क्या बोला, उसका 7वां और 13वां पद कितना है, 34 और 64, मान लिया हम पहला पद ए है, पहला पद कितना और कॉमन डिफरेंस कितना डी, पहला पद परीक्षा में अगर 5 नंबर का पूछेगा लिख देना पहला पद ए और पदांतर या सर्वांतर कितना डी। हम सवाल की ओर चलते हैं, क्या क्या कह रहा, क्या कह रहा था कि 7वां पद जो था वो कितना था 34 और 13वां पद जो था वो कितना था 64। कलाकारी हम शुरू करते हैं, क्या 7वां पद था, इसका मतलब A+KD का मान दिया हुआ है 6D, A+6D कितना, यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे बोला कि 13वां पद मतलब A+KD 12D, A+12D, इसका मान कितना है, एगो समीकरण ही दूसरा समीकरण ना। अब देखो इसको कैसे मान करते हैं, दोनों ए सेम था ना, तो क्या करेंगे समीकरण 1-2 यदि करते हैं, बोला क्या हो जाएगा कट जाएगा, और 6D में 12D घट गया कितना, -6D, आगे 34 में 64 घटाएंगे कितना हो गया, -, कट गया 54 30, इसका मतलब हो गया कि डी का मान कितना निकल गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे हम इस समीकरण 1 में हम यदि डी का मान 5 रखते हैं तो ए का मान निकल जाएगा कि नहीं, तो यहाँ लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में डी बराबर किसका मान रखने पर, 5 का मान रखने पर, तो A+ यहाँ 6×D था 54 30 प्लस बराबर 34, तो ए का मान कितना निकल गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो सवाल क्या बोला, अब बोला एपी ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, इसका मतलब एपी का मतलब हो गया कि हम सब टर्म निकालेंगे, पहला टर्म T1 निकालेंगे, T2 निकालेंगे, T3 निकालेंगे, T4 3-4 को निकाल देंगे, ठीक है। पहला पद मतलब ए, दूसरा पद A+KD D, तीसरा टर्म A+KD, चौथा टर्म A+KD, अब इसका मान नहीं निकलेगा,
कैसे निकालेंगे जब ए का मान निकालिए दिए हैं, डी का मान निकालिए दिए, ए बराबर कितना? अब यहाँ ए प्लस डी, इसका मतलब ये दोनों जोड़ना था, कितना हो गया? पांच चार नौ। दूसरा था ए प्लस टू डी, ए का मान कितना? चार, जोड़ दो गुना डी का मान कितना? पांच दूनी दस, चार चौदह, ए प्लस थ्री गुना डी, पांच तीन पंद्रह, पंद्रह चार उन्नीस। हमको बोला था समांतर श्रेणी लिखिए, खाली यही लिख देंगे तो आंसर नहीं हो गया। इसको क्या लिखना है? इसको लिखना है समांतर श्रेणी जो हो गया चार नौ चौदह उन्नीस डॉट डॉट, यही मेरा क्या आ गया, यहाँ लिख देंगे अभीष्ट समांतर श्रेणी, जो परीक्षा में पूछ रहा था अभीष्ट समांतर श्रेणी, तब हमको पांच नंबर देगा। क्या क्या काम किया? ये नहीं कि जो तीन पेज में भरा एक पेज में, काम क्या क्या किया उसको केवल सीखना। बोला ए पी ज्ञात कीजिए, ठीक है अच्छा बात है। बोला सातवां पद है चौतीस और तेरहवां पद है ए प्लस सातवां पद छह डी बराबर चौतीस, ए प्लस बारह डी बराबर, ए और डी का मान क्या कर दिए? निकाल दिए। अब इसी में सवाल बोलता ए पी नहीं ज्ञात कीजिए, बोलिए पहला पद और क्या निकालिए? पहला पद और पदांतर निकालिए, यही दोनों आंसर हो जाता ना होता। अगर बोलता कि बीसवां पद निकालिए तो ए प्लस क्या डी? उन्नीस डी, ए प्लस। तो सवाल केवल थोड़ा थोड़ा चेंज करेगा और बोलेगा बनाने के लिए। उसके बाद बोला था समांतर श्रेणी निकालिए, इसका मतलब तीन चार को टर्म निकाल दिया, उसको सरिया के क्या कर दिए? लिख दिए। भारी है, आगे देखो। आगे है एक एपी में पचास पद है, कितना पद है? पचास पद है, मैंने जो यही एपी था, कितना पद है? पचास गो है। बोला जिसमें तीसरा पद कितना है? बारह, इसका मतलब ए प्लस कितना डी? तीसरा पद, तीसरा पद मतलब ए प्लस क्या डी? टू डी, इसका मान कितना है? बारह। अब बोला अंतिम पद एक सौ छह है, अंतिम पद कितना है? अंतिम पद मतलब कितना टर्म होगा? पचास को पद था, ये समझना है क्या को पद था, इसका मतलब पचासवां टर्म जो है, पचासवां पद यहाँ क्लियर नहीं लिखा लेकिन लिख दिया अंतिम पद, थोड़ा सा समझना। अंतिम पद क्या को टर्म था? पचास, इसका मतलब पचासवां पद कितना है? तो वही चीज हमको ए प्लस क्या डी, इसका मतलब उनचास कितना? एक सौ। जब इसको हम सॉल्व करेंगे माइनस हो गया, इसको कटाएंगे तो कितना हो गया? माइनस सैतालीस डी, और इसको घटाएंगे तो कितना हो गया? चौरानवे, एक सौ छः में इसको घटा दी, माइनस माइनस साफ हो गया, डी का मान कितना निकल गया? डी का मान दो निकल गया। अब ए का मान हम कैसे निकालेंगे? इसमें रख देंगे, यदि डी का मान तो नहीं निकलेगा कैसे? ए प्लस यहाँ दो और गुना दो, दो दुनी तो ए का मान, डी का, ए का मान कितना हो गया? ये चार का उधर भेज देंगे, बारह में चार घट गया कितना? आठ। अब सवाल बोला था कितना पद निकालिए? उनतीसवां पद निकालिए, इसका मतलब टी उनतीस का मान निकालना, किसका मान निकालना है? टी उनतीस का मान, टी उनतीस का जब मान निकालना है, टी उनतीस बराबर, इसका मतलब ए प्लस क्या डी? ए का मान नहीं है हमको मालूम, ए का मान निकाले हैं, डी का मान निकाले हैं, तो केवल रख देंगे ए का मान कितना, कितना निकला है? आठ, आठ प्लस अट्ठाईस गुना डी का मान कितना? दो, तो अट्ठाईस दुनी कितना हो गया? भारी है। इसी में सवाल थोड़ा सा चेंज कर देगा, कोई बोलेगा दूसरा टर्म तो सवाल चेंज हो जाएगा, वही रहेगा सब में, अभी तो कम वही कर रहे हैं ना कि नहीं। तो इसका नेक्स्ट वीडियो समांतर श्रेणी का, और जो है आप लोग देखते रहें, फिर तीसरे समांतर श्रेणी के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। बाकी हमारे चैनल के साथ बने रहें।